सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी खबरों के ताज़ा बुलेटिन दे विच मैं हरप्रीत सिंह मठाड़ू तुहाडा स्वागत करदा। पंजाब दी ताज़ा तरीन खबरां तुहाडे रूबरू करांगे, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना। जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, तां कि खबरां दा ताज़ा बुलेटिन तुहानूं समय सिर मिलदा रहे। थाने च कपड़े ला के चार पुलिस वाले ने लगाया करंट, दो दिन कुट्टिया मारिया पीड़ित लड़की। गुरदासपुर तो खबर है, गुरदासपुर तो एक रूह कंबाऊ खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिता है। दसया जा रहा है कि इतने एक जज के घर च हुई चोरी के इल्जाम के उन्होंने घर झाड़ू पोचे का काम करती एक नौजवान कुड़ी तो पुलिस मुलाजमान वालों तीजे दर्जे का तशद्दुद ढाया गया है। पीड़ित लड़की को इलाज लिए हस्पताल दाखिल करवाया गया है, जिथे उसने मीडिया ने गलबात दौरान दसया कि चार पुलिस मुलाजमान वालों उसनू थाने ले जाके कुट्टिया मारिया गया, उसके कपड़े उतारे गए तो छातियां ते करंट भी लगाया गया। पीड़ित का कहना कि मौके पर कोई भी महिला पुलिस मुलाजम मौजूद नहीं सी, सगों सारे पुरश मुलाजम सन जिन्होंने उसनू चोरी का जुर्म कबूलने लिए जोर पाया तो तीजे दर्जे का तशद्द दिता। लड़की का कहना कि उसने कोई भी चोरी नहीं की, उन्होंने घरों ली गई तलाशी दौरान कुछ भी बरामद नहीं होया है। इस मौके पीड़ित की माँ ने दसा कि लड़की करीब एक साल तो एक जज के घर काम करती सी, दो दिन पहला जज साहब ने फोन करके उसकी धी को काम लिए बुलाया सी, पर करीब 11:30 बजे उसनू मुड़ फोन कॉल प्राप्त हुई, पता लगा कि लड़की थाने ले जाया गया है, जितों थाने पहुँचते ही उस लड़की मिलने दिता गया। औरत ने दसा कि पुलिस वाले उसकी धी लै गए और उन्होंने घर की तलाशी ली गई, पर मुलाजमान कुछ भी प्राप्त नहीं होया है। इस तरह की खबर गुरदासपुर तो प्राप्त हो रही है। SGPC का फैसला, सुकिया रोकटियां के घपलेबाज मैनेजर स्टोरकीपर सुपरवाइजर तो इंस्पैक्टर रैंक के 51 मुलाजम सस्पेंड। श्री दरबार साहब के श्री गुरु रामदास जी के लंगर की बची हुई सुकी रोटी जूठन ब्रेन रोला चढ़ावे के महीने के चौलों की नीलामी में करीब 1 करोड़ रुपए के घपले में शामिल 51 मुलाजमान श्रोमणी कमेटी ने मुअत्तल कर दिता है। इन्होंने कर्मचारियों से कार्रवाई की गई है, उन्होंने मैनेजर स्टोरकीपर सुपरवाइजर तो इंस्पैक्टर रैंक के कर्मचारी शामिल हैं। कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने फैसला लिया है। महत्वपूर्ण गल यह है कि चैकिंग दौरान कमेटी की फ्लाइंग टीम को 1 अप्रैल 2019 तो दिसंबर 2022 दरमियान 2 साल 9 महीनों तक कोई नीलामी में बेनीमियां पाई गई। पहला यह रकम 25 लाख से फिर 62 लाख होगी, हुण 1 करोड़ के करीब दसी जा रही है। पहला मुअत्तल स्टोरकीपर गायब है। नीले कार्ड और राशन कार्डों में वड्डी कटौती, लोड़वंद भड़के सियासत पखी। पंजाब बनी नीले कार्डों और राशन कार्डों में वड्डी कटौती की गई है। वेखण विच आ रहा है कि लोड़वंदा दे भी नीले कार्ड कट्टे गए हैं। लोड़वंद लोगों ने कहा कि सरकार का नादरशाही फरमान है, इस नूं लैके सियासत भी भाग गई है। नीले कार्डों और राशन कार्डों में वड्डी कटौती, लोड़वंद भड़के सियासत पखी। देश में गरीबी रेखा तो हेठां रहण वाले लिए भारत सरकार वालों 2 रुपए किलो कणक देने की स्कीम चलाई गई है। देश भर में 1.42 करोड़ लाभपात्री हैं जो इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं, जिस दे तहत एक परिवार को 30 किलो कणक दिती जाती है। इस तो अलावा पिछली सरकारों वालों भी पंजाब में नीले कार्ड बनवा के लोगों को स्कीम का फायदा पहुँचाया गया, पर नीले कार्ड और राशन कार्ड में बेनीमियां पाई जाने करके इस विच वड्डे की कटौती की गई। पंजाब की कुल 3 करोड़ की आबादी 40,68,887 कार्ड बनाए गए हैं, जिन्हों 28 लाख तो वधेरे कार्ड सूबे भर में कट्टे जा रहे हैं। पंजाब के स्कूलों में जारी किए गए सख्त फरमान, गर्मी दी छुट्टियों तो बाद सोमवार तो सूबे के सारे स्कूलों में खुल गए हैं। सारे स्कूलों में विद्यार्थियों लिए रोजाना मिड डे मील की तैयारियां की जा रही हैं। मिड डे मील का सेवन करने वाले विद्यार्थियों का डाटा मोबाइल ऐप से भरया जाता है और यह जिला पद्धरी एक सार रिपोर्ट दफ्तर वालों हर रोज़ 4:30 बजे सिक्ख्या मंत्रालय नवी दिल्ली के पोर्टल पर अपलोड की जाती है। इसलिए सिक्ख्या विभाग ने सूबे के समूह जिला सिक्ख्या अफसर और समूह से स्कूल मुखियों को हदायत दित्तियां हैं कि उपरोक्त संबंधी डायरैक्टर जनरल ऑफ स्कूल सिक्ख्या वालों रोजाना निगरानी रखी जाए। सारे स्कूलों को यह यकीनी बनाया जाए कि स्कूल मुखी हर रोज़ 4 बजे तक मोबाइल ऐप से डाटा भर देन, पूरा डाटा सिक्ख्या मंत्रालय नवी दिल्ली के पोर्टल पर रोजाना अपलोड किया जाए। जेकर कोई स्कूल प्रिंसीपल अजिहा करने में असफल रहता है तो देरी या लापरवाही होती है तो संबंधित स्कूल मुखी निजी तौर पर जिम्मेवार होगा, तो अगलेरी कार्रवाई लिए मामला मुख दफ्तर भेजा जा सकता है।
मुख्यमंत्री मान ने पंजाब वासियों लिए किया एक होर काम बचणगे लखां रुपए। मुख्यमंत्री ने अज एक होर टोल प्लाजा बंद करके पंजाबियों की जेब का भार घटाउण दा दावा किया है। उन्हां दसवां टोल प्लाजा बंद करवाया। जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री मान ने इस संबंधी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी साझी की। उन्होंने कहा कि अज मोगा कोटकपुरा रोड से सिंघांवाला विखे लग्या टोल प्लाजा बंद करवा के हमेशा लिए आम लोगों वास्ते फ्री कर दिता है। नाल ही इस टोल प्लाजा 436 दिन वधाउण की अपील खारिज की है। हुण तक 10 टोल प्लाजे साडी सरकार सवा साल च बंद करवा चुकी है, जिस नाल रोजाना लगभग 45 लाख रुपए लोगों के बच रहे हैं। असी पहला वर्गियां वांग हिस्से पत्तियां नहीं पाते, लोगों के पैसे की कदर करते हैं। साड़ी पार्टी लोगों के पैसे की कदर करती है। इस तरह के उन्होंने बयान सामने आए हैं। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत बैंस को सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत। बलात्कार के दोषों का सामना कर रहे पंजाब के साबका विधायक लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरनजीत सिंह बैंस को सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों सिमरनजीत सिंह मान की जमानत में बरकरार रखी है। साल 2021 लुधियाने से दर्ज हुए इस मामले हाई कोर्ट ने इस साल जनवरी जमानत दी सी। इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पटीशन दायर की है। उधर दूजे पासे खबर प्राप्त हुई है कि टोल प्लाजा डेडलाइन कारण बंद सी। मान ने अपने आप को क्रैडिट देने लिए सरकारी खजाने के लखां रुपए बर्बाद किए हैं। कोटकपुरा मोगा रोड से बाघा पुराणा नेड़े पिंड चंदपुराणा स्थित पी डी अग्रवाल टोल प्लाजा बंद करने से प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पंजाब की सूबा सकत्र सुनीता गर्ग ने कहा कि टोल प्लाजा अपनी समा सीमा पूरी होने कारण बंद किया गया, पर मुख्य मंत्री मान ने इसका सेहरा अपने आप को देने लिए सरकारी खजाने में लखां रुपए का चूना लाया है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सिर्फ ऐलान मंत्री बन के रह गए हैं। जेकर टोल प्लाजे को बंद करने वाले मान होंगे तो पंजाब के सारे टोल प्लाजे बंद करवा देंगे, फिर सारे लोग भी मान जाते कि वह गुमराह नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने टोल प्लाजे को बंद किया जा रहा जिन्हों का समा पूरा हो रहा है। अगली खबर, नकली पिस्तौल विखा के गड्डी खोण वाला 48 घंटे च काबू। बीते दिन सुनाम विखे खड़ौना पिस्तौल विखा के खोह की वरदवारदा तो पर्दा चुकद पुलिस ने 48 घंटे के अंदर एक जने को गिरफ्तार करके खो गई कार ते होर समान बरामद करवाया है। इस संबंधी जानकारी देंदे सुरेंद्र लांबा जिला पुलिस मुखी संगरूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्या कि पिछले दिन सुनाम विखे जसवीर सिंह पुत्र राजवीर सिंह वासी नेजिया खेड़ा जिला सरसा ने थाना सिटी सुनाम विखे इतलाह दी कि उसका दोस्त विजय कुमार उसकी गड्डी किसी काम लिए मांग के लै गया। उन्होंने कहा कि विजय कुमार ने उसनू दस्या कि वह और उसका दोस्त प्रिंस सोनी गड्डी की सवारी छड़न लिए सुनाम आए सन। तो सुनाम पुज के किसी अणपछाते व्यक्ति प्रिंस सोनी ने अपने नाल किसी के घर अपना बैग रखने लिए लै गया। तो प्रिंस सोनी ने उत्थे बिठा के आप कला वापस गया, जिसने विजय कुमार को पिस्तौल दिखा के गोली मारन का डरावा दिता है तो गड्डी खो के फरार हो गया। फिर हो गई अकाली भाजपा की भाईवाली हल्के जिला प्रधाना हल्का इंचार्जा की मीटिंग तो बाद होगा शीशा साफ। किसान अंदोलन करके टुटी अकाली दल ते भाजपा की भाईवाली मुड़ पै सकती है। कोर कमेटी की मीटिंग तो बाद अकाली दल ने भलके चंडीगढ़ में अपने सारे जिला प्रधाना हल्का इंचार्जा की मीटिंग सदी है। इस तो बाद स्पष्ट हो जाएगा कि अकाली दल भाजपा का साथ लवेगा कि नहीं। सो इस सन अज दी मुख खबर। उम्मीद है कि तुम वीडियो में लाइक शेयर चैनल में सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं खबरों के अगले ताज़ा बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए मेहरबानी, धन्यवाद जी।